गुड मॉर्निंग हिमाचल। सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। छितकुल में ताजा बर्फबारी का नजारा। बीच राह में रोका, फिर गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी। दिवाली पर ऊना हुआ अलर्ट। देवसदन में कुछ यूं हुआ वेलकम। और अब खबरें विस्तार से। छोटी दीपावली पर किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। बीती रात को पर्यटन स्थल छितकुल में जहां 3 इंच के करीब बर्फ दर्ज की गई, वहीं किन्नौर के आसरंग, नेसंग, चारंग आदि आबादी वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। इसी तरह मध्यम व निचले क्षेत्रों में शुक्रवार की रात को बारिश होती रही। किन्नौर जिला में जाड़े का महीना शुरू होने से पहले हुए इस बर्फबारी के कारण समूचे जिला में अभी से ही ठंड शुरू हो गई है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के डुग्गी गांव में राकेश कुमार व उनके बेटे तथा ड्राइवर अंकुर पर गारन में देर रात चंबा से आते समय शरारती तत्वों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी राकेश कुमार पुत्र सुजान सिंह गांव डुग्गी ने देते हुए कहा कि वह 9 नवंबर को अपने बेटे जो कि राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज चंबा में कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा है, वो दिवाली की छुट्टियां होने पर उसको लेने अपने ड्राइवर को साथ लेकर अपनी गाड़ी से गए थे तथा वापस आते हुए जसूर के आगे गनोह सफेदा मोड़ पर कुछ लगभग 10 युवाओं ने डंडों, तलवारों, पत्थरों को लेकर गाली गलौज करते हुए उनकी गाड़ी को तोड़ के बीच सड़क नेशनल हाईवे पर रोका तथा गाड़ी के शीशे डंडों से तोड़ दिए व गाड़ी की तोड़फोड़ कर नुकसान कर दिया। राकेश कुमार ने कहा कि वह काफी डर गए थे और इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत की, जिसे शुक्रवार को पुलिस थाना नूरपुर के अधीन मामले के आने पर पुलिस चौकी रेहन फॉरवर्ड किया गया, जिस पर एसपी अशोक रतन ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी तफ्तीश के दौरान मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेंगे। दिवाली त्योहार को लेकर अग्निशमन केंद्र ऊना अलर्ट हो गया है। दिवाली में पटाखों से होने वाली आग की घटनाओं की आशंका बनी रहती है, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मी हर समय ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ऊना अग्निशमन केंद्र में 3 फायर गाड़ियां व फायर बाइक हैं, जो कि हर समय आपदा से निपटने को तैयार है। ऊना के बंगाणा, टाहलीवाल व अम्ब फायर केंद्रों में भी फायर महकमा अलर्ट मोड पर तैनात किया है। अग्निशमन केंद्र ऊना के प्रभारी नितिन धीमान ने दिवाली त्योहार को सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिवाली जरूर मनाएं, लेकिन पटाखों को चलाते समय हमेशा सावधान रहें। सार्वजनिक दुकानों, स्थानों, मकानों व घास के कुनुओं के क्षेत्र में पटाखे न चलाएं। आग की घटना को लेकर टोल फ्री नंबर 101 पर संपर्क करें। स्कूल स्टेट लेवल एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल्लू जिला के इतिहास में पहली बार एक नया अध्याय जोड़कर प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी हाल ही में धर्मशाला में इस चैंपियनशिप का समापन हुआ है, जिसमें कुल्लू जिला से ऋषभ और अर्णव दो लड़कों ने 3000 मीटर की दौड़ में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर कुल्लू जिला का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि स्कूल स्टेट लेवल एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल्लू जिला से यह खिताब जीतकर लड़कों ने अपने नाम करके जिला का गौरव बढ़ाया है। देवसदन में शनिवार को एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग कुल्लू की ओर से एडीपीओ केएल राणा सहित अकेडमी के तमाम खिलाड़ियों ने उन दोनों लड़कों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल एथलेटिक जो हुए थे अभी, उसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में गोल्ड आया है 3 किलोमीटर में और 1500 में थर्ड पोजीशन। और अगर हमारा सहयोग हमें सहयोग सर ने दिया है, इन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई। अगर यह नहीं होते तो
क्या पता हमारा नेशनल भी नहीं लगता। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो कि मेरा सपना रहा है कि उल्लू के लिए मेडल लाना है, जो कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा भी पहले मेडल आए, पर उल्लू के लिए कभी भी मेडल नहीं आया, जो कि अभी ऋषभ और अरुण ने ये कर दिखाया है। बस हम यही चाहते हैं कि अब नेशनल में भी ऋषभ कोई कोई पोजीशन ला सके और अपने उल्लू और फिर उल्लू का नाम रोशन कर सके। अभी हाल ही में अंडर 19 स्टेट स्कूली एथलेटिक्स जो मीट धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें फिट कुल्लू हिट कुल्लू एकेडमी के दो बच्चे ऋषभ और अरुण देव, इन्होंने जिला कुल्लू का नेतृत्व किया, जो खास स्कूल में के विद्यार्थी हैं, और इन्होंने 1500 और 3000 में जिला कुल्लू की तरफ से भाग लिया। 3000 मीटर में ऋषभ ने पूरे हिमाचल में पहला स्थान हासिल किया और अरुण देव ने दूसरा स्थान हासिल किया, और 1500 मीटर में ऋषभ ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये पूरा का पूरा श्रेय इस एकेडमी के कोच श्री सुरेंद्र जी को जाता है और इसकी पूरी टीम को जाता है, और जिन्होंने एक साल से इनको जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसका जो परिणाम स्वरूप आपके समक्ष है। और ये दो बच्चे जिन्होंने एकेडमी का नाम रोशन किया, जिला कुल्लू का नाम रोशन किया, खासकर हमारे जिला का नाम रोशन किया कि स्कूलों में से जो बच्चे निकलते थे आज तक मिडल डिस्टेंस में कभी भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन नहीं मिला, तो इस बार जो है कुल्लू को ये कुल्लू को सौभाग्य मिला है। मुझे लगता है कि ये बच्चे आगे जाकर जो हिमाचल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ये मेडल भी हासिल कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर का जो एथलेटिक मीट है वो दिसंबर में 26 से 30 दिसंबर के मध्य महाराष्ट्र में, जिसमें ऋषभ नेतृत्व करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये हिमाचल के लिए मेडल अवश्य हासिल करेंगे। और सारा का सारा जो श्रेय जाता है हमारे जो इन एकेडमी के जो कोच है सुरेंद्र जी को जाता है, इनकी मेहनत से ही जो है बच्चे आगे निकल रहे हैं। मुझे आशा है कि इन दोनों को देख के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं और मोटिवेट होंगे और ये भी अपने जिले का नाम अवश्य रोशन करेंगे। मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।